एक जापानी कहावत है, एक महान गुरु के साथ बिताया एक दिन बेहतर है 1000 दिन के मेहनत भरे अध्ययन से। अंग्रेजी माध्यम की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति सभ्यता संस्कार की शिक्षा का सुंदर संगम है झाझा पब्लिक स्कूल। सुंदर भवन, अनुभवी शिक्षक, खेल का मैदान, क्या कुछ नहीं है झाझा पब्लिक स्कूल के पास। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार निराला, अद्भुत आत्मविश्वास, आकर्षक व्यक्तित्व और शिक्षण के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव। झाझा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर से मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने काफी कम समय में जनता के बीच लोकप्रियता पाई है। नववर्ष के शुभ अवसर पर इस नववर्ष के पहले अतिथि झाझा के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के संस्थापक एवं डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार निराला जी, जो झाझा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और फाउंडर हैं, आइए उनसे कुछ शिक्षा से जुड़े मौलिक प्रश्न करें और उनके बारे में कुछ जानें। वेलकम सर, फॉर्मल टॉक्स के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार आपको भी। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अच्छा। सर आप बहुत दिनों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो अभी का जो वर्तमान का शिक्षा पद्धति है उससे आप संतुष्ट हैं क्या? आपको लगता है इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए? देखिए, शिक्षा की पद्धति की जब बात करें, उस शिक्षा का टाइप ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो समय समय पर इसका बदलाव जरूरी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन दौर में कब हर जगह पे अकॉर्डिंग टू एरियाज शिक्षा में चेंजेस होता है। जैसे गरीब बच्चों को बेसिक एजुकेशन की जरूरत होती है, शहरी क्षेत्र में उसको प्रैक्टिकल और लैब की जरूरत होती है, तो बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। और हमारी नई शिक्षा नीति जो आपका जो अभी आया है 2020, उसमें ये इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो संतुष्टि की बात कहें तो पहले भी संतुष्ट थे और नई आने वाले पे बिल्कुल और संतुष्टि मिलेगी। आपका विद्यालय झाझा पब्लिक स्कूल अन्य विद्यालयों से कुछ अलग दे रहा है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो और अन्य क्षेत्र में? देखिए, मैं इसके लिए ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे अलग दे रहा हूँ, और ये मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे झाझा वासियों का एक प्यार है, एक अपनापन है, जिन्होंने अलग नजरिए से हमारे विद्यालय को देखा एक पूरे भरोसे के साथ। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आया, मैं शिक्षा के क्षेत्र से आया, मेरी मतलब बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस रहा है, ठीक है ना, फिर मैं यूपीएससी एस्पिरेंट भी रहा हूँ, तो ये सब क्षेत्र से आया, तो लोगों को एक भरोसा था कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ, और इससे लोग ज्यादा जुड़ते गए। हमने से क्रिकेट में भी अच्छा हमारा स्कूल परफॉर्म किया, क्विज कंपटीशन में हमारा परफॉर्म किया, इस बार हम लोग बेस्ट स्कूल के लिए भी डीएम साहब से सम्मानित किए गए। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तो कहिए कि हमारा बेहतर प्रयास नहीं, ये लोगों का बेहतर भरोसा है हम पे कि हम कहीं ना कहीं अच्छा करने में मजबूर हो जाते हैं। और बाकी विद्यालयों के बारे में बता नहीं सकता कि उसमें क्या डिमेरिट्स है क्या मेरिट्स है, क्योंकि मैं अपने विद्यालय तक ही सीमित हूँ। वर्ग की शिक्षा के अलावे आपके विद्यालय में कुछ अन्य चीजें जैसे खेल में प्रोत्साहन, कोई अच्छे बच्चे हैं जैसे वो अच्छा पढ़ने में है तो उनको प्रोत्साहन, या किसी अन्य क्षेत्र में प्रोत्साहन, ये आपके स्कूल में है? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि ये स्कूल का स्वभाव होता है, जैसे कि स्वर्ग एक इंसान को बनाया, हाथ दिया, पैर दिया, हर चीज का एक अलग अलग उपयोग दिया और कंप्लीट सिस्टम बना के एक इंसान बनता है। उसी प्रकार हम कहेंगे स्कूल में अगर ये सब सुविधाएं नहीं है तो स्कूल कलाने लायक नहीं है। वहां पे खेल भी है कि आज देखिए खेल के दृष्टिकोण से भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी। अगर एजुकेशन की बात करें तो क्लासरूम से निकलकर एपीजे कलाम साहब आए। अगर हम स्कूल में जो अभी बाल सांसद का चलता है, तब वहां से निकल के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए जी। तो स्कूल का हर एक पहलू, कहिए कि स्कूल का हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे वो करें, और हम लोग विद्यालय में देने में सक्षम है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि झाझा में सर्वप्रथम कराटा का क्लास झाझा पब्लिक स्कूल स्टार्ट किया, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद हम लोग ने ड्राइंग शामिल किया, पेंटिंग वगैरह जितना भी है, स्पोर्ट्स, सारा चीज हमने शामिल किया। और मैं जानता हूँ कि बच्चे, हर बच्चे ऐसे नहीं होते कि एक ही काम में मन लगता है, तो जिस चीज में, जिस गेम में उसको रुचि रहे जी, चाहे वो पढ़ाई हो, एज ए गेम वो इंटरप्रेट करें या फिर वो स्पोर्ट्स करें, तो हर क्षेत्र में आगे बढ़े वो, और ये जरूरी भी है।
आज से कुछ दिन पहले बच्चों को अनुशासित रखने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता था। अभी के समय में छड़ी को बिल्कुल से बंद कर दिया गया क्योंकि उसे अपराध की दृष्टि से देखा जाता है। आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ये एक्चुअली हम ऐसी बात करें कि इतने यूरोपियन कंट्री हैं जी, वहाँ पे एक ह्यूमन राइट संस्था चलता है, तो हम लोगों ने संविधान का आपको पता है कि हर देश से हमने कॉपी किया है जी, तो हमने ह्यूमन राइट्स को भी वहाँ से कॉपी किया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे सरकार को धरोहर होता है, जनसंख्या पॉपुलेशन कम है तो उसको सरकार अपनी तरीके से सींचता है, लेकिन हम लोग मेंटली और मॉरली इतने स्ट्रांग नहीं है जी, कि आजादी और गुलामी के बीच की लड़ाई हमने इतनी लड़ी है, गुलामी और आजादी के बीच इतना संघर्ष हमने किया है जी, उस दृष्टिकोण में हमारे अंदर कुछ अच्छाइयां भी कुछ बुराइयां भी है। वो दायित्व कम्प्लीटली टीचरों की थी, एक नया समाज बनाने का, नया देश बनाने का, और उसका सबसे बड़ा हथियार हमारा डंडा था जी, ठीक है ना। और समाज को भी समझना चाहिए एक टीचर क्यों पीटेगा बच्चे को जी, कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन कहीं ये भी बहुत बड़ा विडंबना है हमारे समाज के लिए कि हमारी छड़ी छीन ली गई, क्योंकि बच्चे में वो डर खत्म अगर हो गया तो बच्चे बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन कुछ गुरु जो हैं अपनी इज्जत को इतना धूमिल किया है, अपने काम को इतना धूमिल किया है, तो सरकार मजबूरन ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत करके फिर वो छड़ी छीन लिया। इससे सारे एक दो टीचर की वजह से हम लोग सब अपंग हो गए। आप अपने छात्र जीवन में कभी मार खाए? बहुत बार सर, बहुत बार मार हमने खाया है, कभी पढ़ाई के लिए, ठीक है, कभी अनुशासित रहने के लिए। बच्चा तो बच्चा होता है जी, और वो हमको लगता है कि भारत का गुरु के छड़ी में वो प्यार बरसता है, और कहीं ना कहीं अगर आप ऊंचे लेवल पे पहुंचते हैं तब वो मारा कोई प्यार नजर आता है। जब तक समझदार नहीं होते चीजें को आप मतलब वैल्यूबल नहीं कर सकते, तो हमने भी मार खाया है। बहुत सारे बच्चे दिमाग से थोड़ा कमजोर होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली वो समझ नहीं पाते। इस दौरान बच्चे बेसिक क्वेश्चन को शिक्षक से पूछते हैं पर शिक्षक उसका मजाक उड़ा देते हैं। आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं, क्या ये उचित है? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि हमारा देश कई एक संस्कारों का देश है, और हमारे देश में ही भगवान बुद्ध भी पैदा हुए थे, और उनका कहना है कि एक बच्चा 4 साल की उम्र में जिंदगी की आधी चीजें सीख लेता है, और जब 4 साल की उम्र में आधी चीजें सीख लिया तो उसे अपन मंदबुद्धि फिर कैसे कहेंगे आप, ठीक है ना। एक्सेप्शन नॉट अंडर रूल, कुछ बच्चे एक्सेप्शन होंगे जो मेंटली डिस्टर्ब होंगे, कोई बीमारी से ग्रसित होंगे, तो वैसे बच्चे आपके स्कूल पहुंचते नहीं, और जब स्कूल पहुंच रहे हैं यानी कि वो दिमाग से दुरुस्त है, पर वो चीजें को अलग नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई और मतलब बाकी चीजों को वो अलग नहीं कर पा रहा है, क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी तारी जमीन पे जी, बिल्कुल, उसमें बच्चा होता है दिमाग से बहुत कमजोर होता है, उसको शब्द घूमते हुए नजर आता है, तो उस केसेस में आप उसको कैसे, तो उसको एज ए टीचर की जवाबदेही होती है उसमें बच्चे को समझें। आप वैसे टीचर नहीं हो सकते जो आप बच्चे को अपनी चीजें थोपे जी, फिर तो कमजोर मंदबुद्धि नजर ही नहीं आएगा। और जो टीचर ऐसा पीटते हैं तो मैं साफ तौर पे कहूंगा कि वैसे टीचर को बदले, जो चीजें समझाने के बजाय उसे पीट के समझाए, उसे पागल चिढ़ाए जी, ठीक है ना, तो समाज के लिए वो टीचर अभिशाप है जी। तो हम लोग, हमारे स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वो मंदबुद्धि हम नहीं कह सकते, वो कहिए कि अपने मतलब कि चीजें में वो उलझे हुए रहते हैं वो, ठीक है ना। फिर हमारे टीचर, हम लोग सब मिलके उसका उसका मतलब कि क्लास लेके उसको समझाते हैं, उसको चीजें का अलग करते हैं, और उसी वजह से स्कूल में डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स शामिल किया गया ताकि जिसमें बच्चे को मन लगे वो एंजॉय करे वो। आपके विद्यालय के बारे में बहुत ही रोचक बात सुनने को मिली है कि जिस दिन पूरी दुनिया मदर्स डे मनाती है आप उस दिन मदर्स डे नहीं मनाते हैं, बल्कि आप दुर्गा षष्ठी के दिन मदर्स डे बनाते हैं, इसके पीछे आपका क्या तर्क है, क्या मान्यता है इसके पीछे आपका? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि मदर्स डे एक दिन का गुलाब का फूल देना मदर्स डे नहीं होता, या ब्रदर्स डे मतलब भाई का, सबसे बड़ी चीज होती है कि हम बुनियादी रिश्तों को समझें जी, ठीक है ना। हमारा देश, हमारी संस्कृति एक ऐसी, हम जिस मिट्टी पे पैदा हुए यहाँ पे क्या होता है,
कि एक मुस्लिम परिवार हो, क्रिश्चियन परिवार हो, चाचा और दादा कह के पैदा हुए जी। चाचा कहते हैं, पड़ोसी अगर कोई भी जाति धर्म से हट के हम लोग चाचा, एक अपना रिश्ता बनाते हैं। रिश्ता दो प्रकार का होता है, एक ईश्वर बनाता है, दूसरा हम बनाते हैं जी। ठीक है ना, तो ईश्वर के रिश्ते को आप गुलाब का फूल देके या फिर कोई गिफ्ट देके आप रिश्ता नहीं जनरेट कर सकते, बल्कि रिश्ता का मतलब होता है एक दूसरे को आपसी भरोसा जी। ठीक है, तो मदर्स डे भी मनाने के पीछे मेरा लॉजिक था यार, मई में हम क्यों मनाए जी। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे कल्चर में, जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, किसी धर्म की मैं तारीफ नहीं कर रहा कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, यहाँ पे हर धर्म में मतलब कि हर फेस्टिवल को हम लोग एज ए मदर पूजा करते हैं। तो हमने देखा कि नौ माताओं को लगातार हम पूजा कर रहे हैं जी। और जो वास्तविक देवी है जिन्होंने मुझे जन्म दिया नौ महीने पीड़ा सह के, क्या मैं उसका भरोसा कैसे जीतूं जी। तो मुझे लगा उसी नौ माताओं में जब शक्ति की बात आती है तो सबसे शक्तिशाली तो हमारी माँ है कि खुद भूखी रहती है, हमें खिलाती है, खुद कम कपड़े पहनकर हमारा जरूरतें पूरा करती है। तो ऐसी जरूरतों को मैं उनका भरोसा क्यों ना जीतूं, मैं उन देवियों में उनको शामिल क्यों ना करूं। तो मुझे लगा कि ये चीज उस नवरात्रा में अपनी माँ को शामिल करके, जैसे छोटा सा मैं बात करना चाहूंगा आपको जी बिल्कुल, कि कभी आप हमारे संस्कृति हमारे देश में देखेंगे महिलाओं के नाम के पीछे देवी होता है जी। किसी पुरुष के नाम के पीछे देवा नहीं होता, नहीं, क्योंकि वो देवी का गुण है उसमें जी। देवी का गुण है हमारी महिलाओं में, तो अपनी माताओं को मैं वहां पे क्यों ना शामिल करूं जी। और मैं गुलाब फूल देकर नहीं, मैं चाहता हूँ उस भरोसे में एक गाढ़ापन आए, तो बच्चे अपने लाइफ का या अपने पूरे वर्ष का जितना भी गलत किया सही किया अपनी माँ को एहसास दिलाइए, अपनी माँ के प्रति जिम्मेदार बनिए, ताकि वो आपको कल से बेहतर आज और आज से बेहतर आने वाला कल वो प्यार कर पाए। और हमने जब भी कोई दर्द होता है तो माँ को याद करते हैं, और याद करते ही हमारे आधा दर्द गायब हो जाता है, तो उस रिश्ते को और गाढ़ा क्यों ना बनाए। तो हमारा उद्देश्य यही था कि वो मदर्स डे को ना मना के, केक काट के या गुलाब फूल दे के नहीं, बल्कि अपनी भावना को अपनी माँ की भावनाओं से जोड़कर इसको मनाए। और जब हमने ये मदर्स डे मनाना स्टार्ट किया था तो 2012 में तो सबसे पहले तो झाझा पब्लिक स्कूल ही था, लेकिन मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ आज हमारे साथ दुनिया के 3 कंट्री हमारी मदर्स डे को कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरह से हमारे ढर्रे पे चल रहे हैं वो जी। और इंडिया के लगभग 3,000 स्कूल पिछले साल हमारे साथ मनाया वो, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं, पूरे झाझा वासियों के लिए गर्व की बात है कि आपने जिस इंसान पर भरोसा किया उस इंसान पर आज सब लोग भरोसा कर रहा है। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद बोलूंगा। एक अभिभावक के रूप में जब आप किसी शैक्षणिक संस्थान का चयन करते हैं तो उस शैक्षणिक संस्थान में आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखते हैं? बड़ा कमरा, हवादार कमरा, बड़ा भवन? देखिए सवाल बहुत ही लाजवाब है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा देश जी कभी शिक्षा गुरु हुआ करता था जी। दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, पर ऐसा क्या हुआ कि हमारा सारा यूनिवर्सिटी मस्जिद में कन्वर्ट हो गया जी। या फिर हमारा कोई ऐसा जितना भी यूनिवर्सिटीज है पर्यटक स्थल में कन्वर्ट हो गया, कहीं मंदिर में कन्वर्ट हो गया जी। तो चूंकि पढ़ाई का चीज हम लोगों ने सबसे पहले छोड़ दिया जी। और ये कुछ ना कुछ ऐसा उस टाइम का सरकमस्टेंसेस रहा जो हम लोग कहीं ना कहीं अनपढ़ बनते चले गए, चाहे इसका राजनीतिक कारण हो चाहे कुछ भौगोलिक कारण हो, मैं उस कारण पे नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं अभिभावक तौर पे मैं सभी लोगों से कहूंगा, अगर मेरी पर्सनल बातें हो तो सबसे पहले हम आए किसी भी स्कूल में जाकर उसका भवन, एयर कंडीशन या स्पेस या उसकी व्यवस्थाएं देखने के बजाय मैं देखूंगा कि हमारे बच्चे के जो गुरु होने वाले हैं जी वो कितना होनहार हैं जी। क्योंकि आपका एक थोड़ी देर पहले एक सवाल था कि बच्चे मंदबुद्धि हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो मैं अपने बच्चे को, कि मेरी बुद्धि का लेवल मुझे नहीं पता जी, लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि जो हमारे सामने वाले टीचर्स होंगे वो हमारे बच्चे को कितने बेहतर समझते हैं, और क्या वो अपना स्पीड हमारे बच्चों को देंगे या मेरी बच्चे के रफ्तार से वो चलना पसंद करेंगे, पहली बातें। दूसरी बातें,
कि उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो, तो वो तो खैर सभी स्कूल डिजर्व करता ही है, गवर्नमेंट स्कूल भी डिजर्व करता है, प्राइवेट स्कूल भी, लेकिन सबसे मुख्य हमारा रहेगा कि वहाँ के टीचर कैसे हैं, देने का तरीका कैसे है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर कहूँगा कि आप एक नमक भी खरीदते हैं, खाने पीने में सबसे सस्ती चीज नमक है जी। उसे जब खरीदते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि किस कंपनी का है, कितना भरूरा है जी। अगर ब्रांड बहुत तकड़ा मिल जाए आपको और पता चला वो कोई काम का नहीं है, भरभरा नहीं है, तो खरीदेंगे कभी नहीं खरीदेंगे। तो उसी तरह से हम क्वालिटी की बात करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं कि वो हमारे देने वाले के पास है या नहीं जी। और जो नहीं देता तो फिर वैसे मैं शिक्षा संस्था को कभी चूज नहीं करना चाहूंगा जी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, सिर्फ नौकरी लेके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, या शिक्षा से नैतिकता सीखनी चाहिए, देश के प्रति प्यार, संस्कृति, सभ्यता, माता पिता के प्रति प्यार, क्या शिक्षा का यह भी एक हिस्सा हो सकता है? देखिए ये सवाल आपका बहुत लाजवाब है श्रीमान। शिक्षा देखिए दो टाइप का होता है जी। एक होता है लिटरेसी, दूसरा होता है एजुकेशन जी। लिटरेसी मतलब होता है साक्षरता जी। तो आज हमारा सरकार साक्षरता दर बढ़ा रही है, शिक्षा दर आपने कभी नहीं सुना होगा कि शिक्षा दर बढ़ा रही है जी। तो शिक्षा के लिए कभी जरूरी नहीं कि किताबी ज्ञान ही हो जी। लेकिन साक्षरता के लिए जरूरी है कि आपको अक्षर का ज्ञान हो जी। ठीक है ना। तो आपका सवाल ये था कि शिक्षा से हम लोग देश का प्यार, माता पिता के प्यार, यही तो है ही शिक्षा का वास्तविक अर्थ ही है कि जो हमें उम्र के अनुसार जो हमें किताब। ऐसे एक बात बताइए, आपने महात्मा गांधी का स्टोरी तो पढ़ा होगा जी। पढ़ के क्या आप महात्मा गांधी बनेंगे? क्या जवाहरलाल नेहरू का पढ़ा होगा? क्या जवाहरलाल नेहरू बनेंगे? क्या भगत सिंह पढ़ा हो तो हम क्या बोलेंगे, मुझे फांसी पर लटका दो? तो हम तो ऐसा ना करने वाले हैं। फिर उस कहानी को पढ़ने से बेसिकली हमको फायदा क्या है? तो उन्हीं का गुण को हम सीखें, उनके अनुभव को जाने, अपने जिंदगी में उतारें। अब वो देश प्रेमी थे, किस लेवल के प्रेम थे और उनको क्यों प्रेम था, उस भावनाओं को समझें। अब भावनाओं को समझना ही शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। और जब ये भावनाओं को समझना स्टार्ट कर दिया आपने, तो आपको देश से भी प्यार हो जाएगा, अपने माता पिता से प्यार हो जाएगा, आप सुसज्जित व्यक्ति बन जाएंगे, अपने मिट्टी से प्यार हो जाएगा। अब जैसे कि हम कहें साक्षरता दर की जहां बात करें, तो आप एक बात बताइए कि बहुत सारे लोग 10th का एग्जाम दिए होंगे जी। एक साल पुराने स्टूडेंट से पूछेगा कि तुम्हारा क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का 2 नंबर क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन था या उसका आंसर क्या था, शायद वो ना बता पाए, क्योंकि वो साक्षरता का परिचय है जी। लेकिन शिक्षा का परिचय ये है कि आपको बचपन में माता जी सिखाई होंगी, बेटा पापा को प्रणाम करो, घर में अतिथि आए प्रणाम करो, पानी दो, वो आज भी जिंदा होगा। कोई अतिथि आपके यहाँ आते हैं, प्रणाम चाचा जी, प्रणाम दादाजी, भैया जी, तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही है। आज बड़े बड़े पदाधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। क्या ये अभी के शिक्षा नीति के कारण हो रहा है, जिसमें ईमानदारी का कोई स्थान नहीं, नैतिकता का कोई स्थान नहीं? इसको ऐसा नहीं कह सकते कि बड़े अधिकारी घूसखोरी या बेईमानी कभी शिक्षा का एक अंग रहा है। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षा का गलत मतलब कि कुप्रभाव के वजह से हुआ है। और ये प्रश्न लोगों की अपना अपीयरेंस होता है, अपनी वो एक प्रकार का मानसिक बीमारी है। जैसे कभी आपने सुना होगा गांव में सिर्फ शादियां होती है लड़कियों की जी। तो लड़के वाले कहते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया तो लड़की वाले देंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह के अधिकारी जो होते हैं बेईमान होते हैं या भ्रष्टाचार से लिप्त होते हैं, तो ये उनकी मानसिक बीमारी है। शिक्षा से सो कोई लेना देना नहीं है कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपने कौ का मतलब कौ पढ़ा है तो वो कौ का मतलब कौ ही उन्होंने पढ़ाया जी। आखिर भ्रष्टता आया कहाँ से, नैतिक पतन आया कहाँ से, ये कहीं ना कहीं या तो विरासत में चलता आ रहा है जी। या तो उनके विरासत में चलता आ रहा है, या तो कहिए कि उनका परिवार का एक जो ढांचा होना चाहिए पारिवारिक ढांचा वो डेवलप नहीं हो पाया, या तो फिर ऐसे समाज उसको मिला नहीं या ऐसे सामाजिक माहौल में रहा नहीं जहां पे ईमानदारी का फूल खिलता हो जी। ठीक है ना। हम बचपन में तब दुनिया के किसी भी स्कूल में जाएं,
हम लोग को यही बताया जाता है कि हमेशा सच बोलो, ठीक है ना, झूठ मत बोलो, दूसरे की चीज मिट्टी के समान होती है। एग्जाम्पल जापान का दिया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जापान गए, पेन गिर गया। बचपन में हमने पढ़ा है, बचपन में हमने पढ़ा है कि महात्मा गांधी की एक बार पेन उन्होंने चोरी कर लिया, तो उनके पिताजी ने उन्हें बहुत पनिश किया, तो वो बहुत ईमानदार बन गए। तो फिर इन सारे एजुकेशन के बीच में वरिष्ठ अधिकारी आया कहां से? तो साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा, ये एजुकेशन का प्रकोप नहीं है, इसमें किसी टीचर का दोष नहीं है, इसमें कहूंगा ये उनकी पर्सनल बीमारी है। जो भी भ्रष्टाचार से लिप्त है वो समझिए मानसिक बीमार है जी। उससे स्कूल का कोई लेना देना नहीं, उससे किसी शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, उनके अपने माँ बाप से लेना देना नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा दाऊद इब्राहिम का बेटा दाऊद इब्राहिम नहीं बन रहा जी, ओसामा बिन लादेन का बेटा ओसामा बिन लादेन नहीं बन रहा। तो मतलब है कि ऐसा अगर खानदान का भी होता तो कहना मतलब है, लेकिन कुछ जो जिन में है वो थोड़ा बहुत तो रहेगा, और उसकी अपनी मानसिक बीमारी है जो भ्रष्ट है। हर माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनाना चाहता है, बड़ा से बड़ा अधिकारी बनाना चाहता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को एक ईमानदार नागरिक जिसमें नैतिकता हो, देश के प्रति प्रेम हो, क्यों नहीं बनाना चाहता? सीधे सीधे शब्द में कहिए कि एक माँ बाप नेता नहीं बनाना चाहता है, आपका पूछने का तात्पर्य यही है। तो मैं ये कहूंगा कि 1947 के पहले आखिर हमारे देश की मिट्टी में ऐसा क्या था जहां पे माँ भगत सिंह के फांसी लटकने पे खुश होती थी जी। हर माँ चाहती थी मेरा बेटा समाज में हो। आपने चंद्रशेखर आजाद के बारे में सुना होगा, जब उनकी उनके उन्होंने गोली मारा देश के लिए, जब वो शहीद हुए थे, उनकी माता ने कही अगर मेरे पास एक बच्चा और होता तो मैं उसे देश के लिए देती जी। फिर आज से और तब के ऐसा क्या चेंजेज आया कि हम उस चीज से भागना स्टार्ट कर दिए? तो हमारी राजनीति के क्षेत्र में ऐसे, अभी मैंने कहा था अधिकारी के लिए, कुछ मानसिक विक्षिप्त अधिकारी आते हैं जो मेंटल बीमार होते हैं और वो घूस करप्शन, उसी तरह हमारे नेताओं में भी है। वो इतने लोग आए कि जो मानसिक तौर पे विक्षिप्त थे या वो मेंटल कमजोर थे, मानसिक रोग से ग्रसित थे, उन्होंने घूसखोरी को नेतागिरी का परिभाषा दिया, उन्हें बेईमानी को नेतागिरी का परिभाषा दिया, घोटाला को नेतागिरी का परिभाषा दिया। तो कहीं ना कहीं जब रेगुलर एक चीज सुनते रहे तो उस चीज से नफरत हो जाएगा जी। अगर आपको बताया गया बचपन से, अगर आपके परिवार वाले बताए कि बेटा पड़ोसी घर मत जाना वो अच्छा आदमी नहीं है, पड़ोसी घर मत जाना अच्छा आदमी नहीं है, पड़ोसी घर मत जाना अच्छा आदमी नहीं है, ये आजीवन सुनते रहे, जैसे ही आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, तो आप भी वही रिपीट करते हैं कि पड़ोसी घर मत जाना अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता कि बुरा आखिर है तो कैसे है, आपने आकलन नहीं किया। तो हर माता पिता इस वजह से भागते हैं कि वो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मानसिक विक्षिप्त ना हो जाए हमारे बच्चे, वो समाज के मुद्दे को झेल नहीं पाएगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं है माता पिता को। तो मैं हर माँ बाप से भी अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इसको देश सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करें। और हम नौकरी की बात करें, नौकरी भी एक प्रकार का देश सेवा ही है। आप एक भ्रष्ट इंजीनियर बनते हैं, भ्रष्ट डॉक्टर बनते हैं, फिर भी समाज को कुछ ना कुछ तो देते हैं। बस नेतागिरी जो होता है व्हाइट व्हाइट पहन के, वो नहीं बन पाते। तो इसके लिए आप लोग भी प्रयास करिए, लोगों को में कॉन्फिडेंस जगाइए कि वो भी देश का हिस्सा है, इंजीनियर और डॉक्टर की तरह वो भी जॉब है, आप करिए उसको। बहुत सारे विद्यालय में जब शिक्षक की कमी होती है तो वो अयोग्य शिक्षक को कम पैसे पर रख लेते हैं, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए मतलब कि विद्यालय का मतलब होता है ग्रुप ऑफ टीचर जी, उसमें उसको अयोग्य नहीं कह सकते, मतलब कि लिटरेसी के मामले में थोड़ा कम नॉलेज रखते हैं, तो उसको एज ए मेन टीचर नहीं, एज ए सहयोगी टीचर के तौर पे बहुत सारे स्कूल रख लेते हैं, ताकि चलो भाई आप पढ़ा रहे हो, हम अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जो थोड़ा सा नए हैं तो वो होमवर्क करना या बच्चों को देख रेख करना उसको टीचर के श्रेणी में नहीं रख सकते, आप उसे जूनियर टीचर के तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन वो लोग बाहर में र्यूमर फैला देता है कि हम उस स्कूल में टीचर हैं, फलाने स्कूल में टीचर हैं, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक विक्षिप्तता है उनकी,
या फिर उनको ये लगता है कि अगर हम ऐसे बोलेंगे तो मार्केट में ट्यूशन मिलेगा, ठीक है, अच्छा, और वो कम पैसे में भी ट्यूशन के लालच में तैयार हो जाते हैं। तो हमारे लिए भी एक मजबूरी है और उसके लिए मजबूरी है, क्योंकि हर वर्ग के लिए एक अच्छा टीचर तो अनिवार्य है, लेकिन एक सहयोगी टीचर भी चाहिए। तो बच्चे भगवान मन के सच्चे बदमाशी तो करते रहेंगे और बदमाशी करते उनको संभालने के लिए, देख रेख करने के लिए कम पढ़ा लिखा भी लोग चल जाता है। एक शिक्षक के अंदर अपने पाठ्य पुस्तक को लेकर और कौन सी अन्य जानकारी और कौन से अन्य विद्या होनी चाहिए उनके अंदर? देखिए, मैं टीचर की बात करूंगा तो पाठ्य पुस्तक की जानकारी तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हर स्कूल, हम अपनी बात करें या मतलब कि पूरे शहर का या पूरे देश के तमाम स्कूल की बात करूंगा, कि वो विषय से संबंधित ही टीचर को रिक्रूट करते हैं जी, तो वो तो अनिवार्य है जी। लेकिन टीचर में सबसे बड़ा गुण ये होनी चाहिए कि बच्चों को समझे जी, और उसमें ये क्षमता हो, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का दो चेहरा होता है और टीचर दुनिया का इकलौता ऐसा प्राणी है जिसे कई चेहरा होते हैं, हर बच्चा के लिए एक इंडिविजुअल चेहरा, ठीक है। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, आप बच्चे हैं स्कूल में जी, तो आप किस स्तर से सीखना पसंद करेंगे, हमको आपके तरह सोचना पड़ेगा। फिर तो अगर दूसरे बच्चे हैं तो वो किस प्रकार सीख सकता है, हमको उसके तरह सोचना पड़ेगा। अगर ये गुण उस टीचर में हो तो वो टीचर लाजवाब है। झाझा में एक बड़ी चर्चित चेहरा है, बैद्यनाथ सिंह रेलवे हाई स्कूल के टीचर, कभी मैंने उनका स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, पर मैंने सुना है कि उनमें एक ही गुण था, पकड़ के अगर बच्चे को किसी भी हाल में बाय हुक और बाय क्रूक पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर रोड पे मिल जाए तो डंडा से देव ऊपर से नीचे तक सुताई, अच्छा उसके माँ बाप है तो माँ बाप डर से भाग जाते थे, ठीक है ना, तो अपनी छड़ी छीनने वाली बात कही तो वो भी तो हमारा हथियार छीन गया, तो अब एक ही हथियार बचता है कि बाबू पढ़ लो जी। तो उसके लेवल में मानसिक तौर पर बांध सकते हैं जी। तो फिर बेहतर और ये गुण तो होना ही चाहिए कि पाठ पुस्तक का नॉलेज तो उसका एक हिस्सा है जी। और उसके बगैर वो टीचर बन ही नहीं सकता जी। तो बचपन में ढलने की आदत, उसको समझने की आदत, अपने बचपन में लौटने की आदत जी। जैसे मैं अपनी एक कहानी शेयर करना चाहूंगा, बड़ी रोचक कहानी है ये। बिल्कुल, मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा था 2009 में जी। यूपीएससी का हमारे बोर्ड मेंबर थे बीके अग्रवाल साहब, तो उन्होंने एक सवाल पूछा था हमसे कि आप में ऐसा कौन सा गुण है जो आईएएस के लिए डिजर्व करते हैं। दैट टाइम आई वाज टोटली कंफ्यूज्ड, इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं ये कहूं कि मैं बहादुर हूं तो बिल्कुल 100% गलत है, ठीक है। मैं ये कहूं कि बहुत तेज हूं इसलिए मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो हमारे बाहर 10,000 लोग खड़े हैं, ठीक है, पूरे भारत में, तो फिर ऐसा कौन सा गुण है भाई। तो मैं आंसर नहीं कर पाया था, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, और उस साल मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी, फिर सिलेक्शन हुआ ही नहीं हमारा, 2011 में इंटरव्यू दिए थे। तो मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था बच्चों को, मैं क्लास भी लेता हूँ मतलब नियमित तौर पर क्लास लेता हूँ। तो 2015 में मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने कहा कि सर संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है जी। अब मैं उसे पढ़ा रहा था तो बोला सर संविधान अगर नहीं माने तो वो कौन देखेगा। तब उस टाइम का आंसर मुझे तब समझ में आया था, 2009 का सवाल का आंसर मुझे 2015 में समझ में आया था कि एक आईएएस होने के लिए या एक ब्यूरोक्रेट होने के लिए संविधान के अनुसार अपने आप को इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर ढाल पाए, ठीक है ना, वही एक बेस्ट ब्यूरोक्रेट से, ठीक है, जो अपने मर्यादा को, अपने संविधान को समझे और उसके अकॉर्डिंग काम करे। तो वो चीज मैं आंसर नहीं कर पाया था। तो चीजें में ढलने का, पानी के आकार का, जैसे जिस बर्तन में डाल दिया उसी का आकार ले लिया, तो वो गुण जब तक टीचर में नहीं होगा तो वो बेस्ट टीचर नहीं हो सकता। तो पाठ पुस्तक के अलावा ये भी होना जरूरी है।